देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर टनकपुर से है, रेलवे को हुआ करोड़ों का नुकसान। आपको बताते चले, कोरोना संकट के कारण करीब 8 माह से बंद चंपावत के टनकपुर रेलवे को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते रेलवे सेवा बंद होने से अकेले टनकपुर रेलवे स्टेशन को अब तक लगभग 3.25 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड के चंपावत में स्थित सीमांत क्षेत्र के अंतिम टनकपुर रेलवे स्टेशन को कोरोना ने भारी नुकसान पहुँचाया है। कोरोना के कारण सरकार ने मार्च से रेलवे सेवा पर रोक लगा दी थी। टनकपुर रेलवे स्टेशन पर तब से बंद हुई रेल सेवा आज 8 माह बाद भी शुरू नहीं हो सकी। इससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन 8 महीनों में अकेले टनकपुर रेलवे स्टेशन को करीबन 3.25 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पिछले वर्ष 2019 में मार्च से अक्टूबर तक 8 महीनों में टनकपुर स्टेशन को 7.44 लाख यात्रियों से 2.83 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन इस वक्त इस अवधि में आय का आंकड़ा शून्य है। स्टेशन अधीक्षक बीएस दरियाल के मुताबिक टनकपुर से रेल सेवा दिसंबर माह के अंत या नए साल जनवरी माह तक शुरू करने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं टनकपुर से अशोक सरकार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। कोरोना काल जब से आपका 16 मार्च से गाड़ी बंद हुई है, अभी तक जो है लगभग सवा तीन करोड़ लगभग आपका जो है घाटा हुआ है। ट्रेन तो संभावना आपके नए साल में जनवरी या दिसंबर तक कुछ कह सकते हैं आगे।